friends, very good evening to all of you and welcome again my YouTube channel Lux Zoology Classes. Today I would like to discuss here a very important topic, that is the restriction enzyme, that comes under the heading of the enzymology of the genetic engineering. अगर हम genetic engineering की बात करते हैं, RDNA technology की बात करते हैं, recombinant DNA technology की बात करते हैं, RDNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. अगर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, तो बिना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पॉसिबल नहीं है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग. तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. यह एंजाइम जो है जीन क्लोनिंग, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें यूज किया जाता है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया है, एंड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी हैव टू डिस्कस हियर. फर्स्ट वन इज दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों कहते हैं. इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एंजाइम जिस होस्ट सेल से निकलते हैं, जैसे मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया अपने अंदर से एक प्रोटीन सीक्रेट करती है और वह प्रोटीन बाहर से आने वाले जो फॉरेन डीएनए उसके बॉडी में एंटर करते हैं बैक्टीरिया के, उनको कट कर देती है. तो पहले समझिए, अभी मैं इसको डिटेल डिस्क्राइब करूंगा. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, और दोनों को मिलाकर एक कॉमन शब्द है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रिस्ट्रिक्शन माने होता है सीमित करना, रिस्ट्रिक्ट करना. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की दो कैटेगरी के हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज अ प्रोटीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, यू हैव टू बी मेंशन. ये क्या होती है, इज अ प्रोटीन होती है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी बाहरी डीएनए को तोड़ देते हैं इंटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, अलोंग द मॉलिक्यूल एट द स्पेसिफिक साइट. तो ये किसी बाहरी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन कहां से काटते हैं, वो स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, विशिष्ट साइट से काटते हैं. और जहां से कट करते हैं उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, और रिकॉग्निशन साइट कहते हैं उसको. स्पेसिफिक साइट क्या है, वो स्पेसिफिक साइट को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, RECOGNITION, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, आर उसे कहते हैं रिकॉग्निशन साइट. रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आप उसे साइट से काट देते हैं डीएनए को, साइट. सो यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रोटीन है जो किसी भी फॉरेन डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट यानी रिकॉग्निशन साइट से, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस से कट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है. इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सेल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज हुई थी बैक्टीरिया में हुई थी. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया अपने अंदर से एक प्रोटीन सीक्रेट करती है, उस प्रोटीन को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जो कोई बाहर वायरस अटैक करता है, अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया, और बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपने डीएनए को बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट कर दिया. अब क्या होगा, वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया के सेल में आएगा, तो बैक्टीरिया जो है अपने बचाव में, अपने प्रोटेक्शन में, अपनी सुरक्षा में, वो क्या करेगी, एक प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वह क्या करेगा, वायरस के आने वाले डीएनए को काट देगा, बहुत सारे पीसेस में कट कर देगा, जिससे उसका रेप्लिकेशन ना हो, ट्रांसक्रिप्शन ना हो, ट्रांसलेशन ना हो, और उस वायरस की कॉपीज जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर मल्टी के अंदर इंक्रीज ना करे. इट मीन्स वो इन्फेक्शन को दूर करता है. तो भाई जब उसकी डीएनए कट जाएंगे कई पीसेस में, उसके नंबर से इंक्रीज नहीं होगी, इन्हीं को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं.
because they are going to restrict the DNA, because they have to cut the DNA into many pieces. So they have to restrict the DNA. क्योंकि वो डीएनए को कई पीसों पे काट करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर वो कई पीसों पे कटेगा नहीं तो रेप्लिकेशन करेगा और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, क्योंकि उसको वो सीमित करते हैं, इसी दिन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, इन द बैक्टीरियल सेल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, क्लीव माने काट देते हैं इसको ओरिजिन डीएनए को 10 10 माने इस प्रकार से, इलिमिनेटिव माने होता है निकालना, त्यागना, छोड़ना, मुक्त करना, इस तरह से मुक्त करते हैं इसको, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को, जो संक्रमित ऑर्गेनिज्म है वह इन्फेक्शन से मुक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालेगा, जो बाहर के बैक्टीरियोफेज से आने वाला जो डीएनए है उसको कट कर देंगे और वायरस से अपना प्रोटेक्शन करेंगे, वायरस से के इन्फेक्शन से अपनी सुरक्षा करते हैं। नंबर थर्ड, दीज एंजाइम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डब्ल्यू आर्बर, इस एंजाइम को सबसे पहले डब्ल्यू आर्बर नामक वैज्ञानिक ने 1962 में ऑब्जर्व किया था, हु ऑब्जर्व दैट व्हेन डीएनए ऑफ ए बैक्टीरियोफेज, उन्होंने ऑब्जर्व किया था जब किसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंटर माने प्रवेश करता है किसमें, पोषण बैक्टीरिया में। सोचिए इस एंजाइम को सबसे पहले डब्ल्यू आर्बर ने 1962 में ऑब्जर्व किया था, पहला पॉइंट। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब किसी बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं, जब किसी बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जो होता है इंटर करता है किसी पोषण बैक्टीरिया के अंदर, तो वह कई स्मॉल पीसेस में काट दिया जाता है, तो वायरस का डीएनए कई स्मॉल पीसेस में काटा किसके द्वारा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको आइसोलेट किया गया था मेसर्सन एंड यूआर के द्वारा इकोलाई से, और सबसे इंपॉर्टेंट रियल ब्रेक थ्रू कब आया, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड इसको आइसोलेट किया गया किससे, बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, किसके द्वारा, केली एंड स्मिथ के द्वारा 1970 में, और नाथन के द्वारा। डिस्कवरी है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, जैसे मान लो न्यूक्लियस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखिए ये डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 2 5 प्राइम, इस पर न्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन होता है, जब एक्शन होगा देखिए एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है और इंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ठीक है। इंडो न्यूक्लियस क्या करता है, इस पर थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, एक्सो न्यूक्लियस का डायरेक्शन ही होगा, एक्सो न्यूक्लियस का किस डायरेक्शन ही होगा और इंडो न्यूक्लियस का डायरेक्शन ही है, और सर रिवर्स हो गया है। इंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पूरे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम का 5 प्राइम डायरेक्शन को इंटरनल कट करेगा, बीच से कट करेगा, जबकि एक्सो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड रिमूव फ्रॉम द एंड, देखिए यहां पर थोड़ा सा एंड निकल गया, इस किनारे से निकल गया, बीच में जो पीस बची हुई है, तो एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको रिमूव करता है एंड से, चाहे 5 प्राइम से करे चाहे 3 प्राइम से, लेकिन इंडो न्यूक्लियस क्या करता है, देखिए यहां पर रिवर्स लगा दिया, यहां से लगा गया, इंडो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको बीच करता है, इंटरनल कट करता है। सो वी हैव टू कीपिंग इन माइंड दैट ये है डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सो न्यूक्लियस, देखिए इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, इसका रिएक्शन लिख दीजिए, इसका रिएक्शन क्या है, ये क्या करता है, डीएनए को यहां से इंटरनल कट करता है, ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम हो गया, इंटरनल कट कर दिया, बीच से कट कर दिया, देखिए यहाँ निकाल दिया, ऐसे कट कर रहा है, लेकिन एक्सो न्यूक्लियस क्या है, एक्सो न्यूक्लियस का एक्शन देखिए, एक्सो न्यूक्लियस का एक्शन है, एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको एक एंड से काट दिया, यहाँ काट दिया और यहाँ काट दिया, तो न्यूक्लियोटाइड रिमूव फ्रॉम द एंड्स, सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे ही आप समझ लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी डीएनए का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको एक कट करके मल्टीप्लीकेशन को समाप्त कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट वाइज समझ लीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये डीएनए का मल्टीप्लीकेशन रोक देते हैं, फॉरेन डीएनए को कट कर देते हैं स्मॉल पीसेस में, जिससे उनका रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कौन सीक्रेट करता है, बैक्टीरिया करते हैं, जैसे एस्ट्राइजिया कोलाई वगैरह है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया सॉरी प्रोटीन, नंबर वन, नंबर टू इसको सीक्रेट क्यों करता है, बैक्टीरिया करता है, नंबर थर्ड क्यों करते हैं, जब कोई फॉरेन डीएनए जैसे मान लीजिए किसी वायरस ने किसी बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया, जैसे बैक्टीरियोफेज ने किसी बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया, अब बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, वो किसी बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो अपना डीएनए जो होता है वो ले जाकर के बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर कर देगा, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जब वायरस का डीएनए जाएगा, चाहे डीएनए जाए चाहे
जाए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ही इंटर करेगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर, बैक्टीरिया जो है अपने अंदर से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, वो तुरंत जो बाहर का डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, उसको कई स्मॉल पीसेस में काट देता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको सबसे पहले आज जन किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डब्ल्यू आर्बर ने 1962 में, ठीक है, जब कोई बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंटर किया गया था, तो होस्ट के बैक्टीरिया ने उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कई पीसेस में कट कर दिया था। बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया मिसलसन एंड यूआर ने इकोलाई से। रियल ब्रेक थ्रू तब आया जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड को आइसोलेट किया गया बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा, इन्फ्लुएंजा में केली स्मिथ और नाथन के द्वारा 1970 में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल टुडे, लाइक दिस टॉपिक हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।